गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मोहम्मद शाहजेद विनय शर्मा अमित मौर्या रंजन शादीग्रजी रंजन कुमार कुमारी रंजू धीरज मोनू कुमार प्रदीप कुमार मनीषा स्वाति मोहित विशाल टीना मनीष जितेंद्र आकाश पंडित कुलदीप श्रिया रामजी कालू गोपाल सैनी मोहित सिंह प्रदीप कुमार आकांक्षा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को कालू पर भाई कैसे हैं सभी लोग चलिए तो जैसे कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वायरिंग से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था टाइप्स ऑफ वायरिंग क्या है डोमेस्टिक वायरिंग क्या है है ना और उसमें जाना था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ वायरिंग्स होते हैं कौन कौन से मेथड्स ऑफ़ वायरिंग्स होते हैं सिस्टम इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स क्या हैं ठीक तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक रूम की वायरिंग को हम लोग करते हैं ठीक है तो आप लोगों ने जो कल की क्लास थी वो आई होप कि आप लोगों के समझ में आई होगी ठीक है तो हम लोग आगे करते हैं ठीक दूसरी चीज़ ये जो मैंने कॉम्बिनेशनस ऑफ रेजिडेंस के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे मैंने देखा कि अभी तक बहुत कम लोगों ने कमेंट्स किए हैं ठीक है कमेंट्स काफ़ी कम लोगों के आए हुए हैं ठीक तो जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस को पूरा कर लीजिए मैं कल तक उसको अपलोड करूंगा ठीक है ग्रुप में मैं आप सभी लोगों को सेंड कर दूंगा एंड उस पर एक आधी छोटी वीडियोज मैं सोच रहा हूँ बना दूँ जो एक आधे सवाल जो क्रिटिकल टाइप के हैं जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप में हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है ठीक तो जैसे कि आज की जो हमारी वीडियो है पार्ट टू के ऊपर है तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं आज इस चैनल से तो वो लोग अपने मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन इसके मिलते रहें ठीक है साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ठीक जो लोग नए हैं वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया साथ के साथ जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है इससे आप लोग को जो जरूरी इन्फॉर्मेशंस है वो सब आप लोगों के पास पहुंच जाएगी ठीक है और जो भी कुछ नोट्स होते हैं या जो भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करता रहता हूं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को जो व्हाट्सएप में आप भेजेंगे तो अपना नाम ट्रेड ब्रांच और ईयर साथ के साथ आई, आई का नाम आपको भेजना होगा ठीक है एक जो कल बात चल रही थी कल जो बात चल रही थी कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन को पढ़ाने के लिए बात चल रही थी तो काफ़ी बच्चों के ये डिमांड थी कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के वीडियो को भी लेके आया जाए ठीक तो कल का दिन रखा है हम लोगों ने कल एक लाइव क्लास आप लोगों की कराई जाएगी ठीक है मैं नहीं पढ़ाऊँगा कोई और पढ़ाएगा आप लोगों को ठीक है तो कल की जो लाइव क्लास होगी वो वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के ऊपर होगी क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि सबसे इनिशियल स्टेज से होता है ठीक है रेशियो और परसेंटेज ये सारे मैथ्स के अंदर चाहे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चाहे आप अपने वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में देखें तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आप लोगों के लिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज के चैप्टर से ठीक तो बहुत ही सिंपल वे में जो निम्मी का पैटर्न है जो निम्मी पब्लिकेशंस ने पैटर्न को बताया है सबसे पहले हम उस पैटर्न पे काम करेंगे ठीक है हम लोग देखेंगे कि हमारे पैटर्न क्या हैं क्योंकि जो मैंने बुक्स देखी हैं बुक्स में पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं जबकि ऐसा कुछ आता नहीं है बेकार में बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट और चीज़ें बना दी गई हैं ठीक तो हम लोग फर्स्ट कोशिश करेंगे किसी दो वीडियो देखें तो पहली वीडियो जो देखेंगे उसमें हम लोग पूरा बात करेंगे केवल निम्मी पैटर्न के ऊपर ठीक है उसके बाद कुछ कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं ठीक उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ सवाल ऐसे देखेंगे जो हमारे शॉर्टकट तरीके से कंपटीशन में बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं और आगे आने वाले जो कंपटीशन हैं उनमें आप लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलेगी ठीक अभी भी बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो मैथ का भी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे तो उनके लिए भी एडवांटेज है ठीक है तो ये आप अपने फ्रेंड सर्किल में अपने जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो कल की हम क्लास रख रहे हैं वो हमारे जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उनसे अलग है यानी मैथ्स एंड जो हमारा साइंस है उसमें है और कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो परसेंटेज के ऊपर रहेगी ठीक चलिए तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई कल की क्लास की चूंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्लास वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के ऊपर तो ये सभी के लिए कॉमन होता है जितनी भी हमारी इंजीनियरिंग ट्रेंड है सभी के लिए फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल कॉमन है सेकेंड ईयर में चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं ठीक है लेकिन फर्स्ट ईयर सभी का कॉमन है ठीक तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है दूसरा एक इन्फॉर्मेशन ये था कि बच्चे बहुत सारे पूछ रहे सर एग्ज़ाम की डेट आ गई है क्या मैंने भी देखा बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स थे उन पर क्या है कि आप लोगों को एग्ज़ाम की डेट मिल रही थी ठीक है तो दरअसल अभी क्या हुआ है कि जो लॉकडाउन हुआ था जो लॉकडाउन है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने है अभी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर किया है यानी एस निकाला है कि जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होता है जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद हमें क्या करना है ठीक है तो ये जस्ट एक जो गवर्नमेंट ने भेजा है कि हमारा प्रोसेस क्या होगा तो इस प्रोसेस में ये बताया गया है कि जो हमारा लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है जैसे ही गवर्नमेंट इसको लॉकडाउन ख़त्म करती है हालांकि आपको पता है थर्टी तक तो कॉलेज़ को बंद ही कर दिए गए हैं फिलहाल में बाकी जो भी इसमें आता है जो भी डिसीजन आते हैं उन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये मिला है कि जो सब जगह से गैदरिंग की गई थी रिपोर्ट्स उसमें ये हुआ था कि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट जो आप लोगों का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया था ठीक है यानी सेवेंटी परसेंट थोटिकल पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है जो प्रैक्टिकल्स बचे हैं वो और साथ के साथ थोड़ा बहुत ये कोर्स जो है वो तो ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों का पूरा हो ही जाएगा जो जिनके सिलेबस बचे हुए हैं ठीक है तो उसमें क्या है कि थर्टी फर्स्ट मई तक आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है जो गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल दिया है कि थर्टी फर्स्ट मई तक हमें सब कुछ कंप्लीट कर लेना है और वो क्या कंप्लीट करना है कि जिसमें हमारा जो भी प्रैक्टिकल्स का काम है या जो भी कुछ बचा हुआ है उसको कंप्लीट करना है ठीक है उसके बाद क्या है कि फाइनलाइजेशन जो प्रोजेक्ट वर्क्स हैं या सारी चीज़ें हैं वो फर्स्ट जून से थर्टी फर्स्ट जुलाई तक कंप्लीट कर देना है ठीक है एक जून से ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है जो भी इंटरनल असेसमेंट है या जो भी कुछ बचा हुआ सिलेबस है ठीक उसके बाद जो एग्जामिनेशन की जो डेट परपोज किया है गवर्नमेंट ने वो सिक्सटीन जुलाई से थर्टी जुलाई के लिए किया है ठीक है सिक्सटीन जुलाई टू थर्टी फर्स्ट जुलाई 2020 किया है तो इसी बात के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट आ गई क्या एग्ज़ाम डेट आ गई तो देखिए जैसे एग्जाम शेड्यूल आता है अभी ऐसा कोई एग्जाम शेड्यूल नहीं आया हुआ है आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिए ठीक है ये हमारा क्या है कि एक प्रपोज गवर्नमेंट ने भेजा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करेंगे ठीक है तो आप ये मान के चलिए कि टेंटेटिव 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में मे बी आपके एग्जामिनेशन की डेट आ जाए अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है उसके बाद उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो तो बाद की बात है तो यही चीज़ चल रही है लेकिन अभी कोई भी टाइम टेबल आप लोगों का नहीं आया है जिसके अंदर आप लोगों को ये बताया जाए कि ये पेपर इस दिन है ये पेपर इस दिन है जैसे ही कुछ ऐसा आता है वो आप लोगों को मैसेज पास कर दिया जाएगा तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो अननेसेसरी चीज़ों को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं वो होने की ज़रूरत नहीं है आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ठीक है चलिए तो हमने कल की जो क्लास थी यानी जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ वायरिंग और टाइप्स ऑफ वायरिंग में हमने क्लीट वायरिंग सी टी एस टी आर एस वायरिंग कंड्यूट वायरिंग और पी वी सी केसिंग केपिंग वायरिंग को देखा था ठीक है ये सारे हमारे वायरिंग के टाइप्स हैं ये वायरिंग हमारे घरों में देखने को मिलता है ठीक जिसमें से मैक्सिमम जो वायरिंग आप देखते हो ये वाली वायरिंग देखते हो और ये वाली वायरिंग आप लोग देखते हैं ठीक है ये वाली वायरिंग आप लोग देखते हैं उसके बाद देखिए इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था जिसमें एक हमारा ट्री सिस्टम था और एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम था इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था उसके बाद अगर हम मेथड ऑफ़ वायरिंग की बात करें तो मेथड ऑफ़ वायरिंग में हमारा क्या था एक जंक्शन बॉक्स मेथड था और एक लूप इन मेथड था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेथड ऑफ वायरिंग में हम लोग इसका यूज आजकल करते हैं ठीक तो मैं एक सवाल आप लोगों को कराऊँगा प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके दिखाना तो लैब में ही पॉसिबल है तो वो जब आ, लैब ओपन होंगी तो वहाँ से हम आपको उन चीज़ों को दिखाएंगे लेकिन फिलहाल में जो एक कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे ठीक है ये सारी चीजें मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ जो लोग नए जुड़े हैं आज फर्स्ट क्लास देख रहे हैं वो इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें आ, आप लोग जब प्ले में जाएंगे तो प्ले में आपको वायरिंग का एक डोमेस्टिक वायरिंग का फोल्डर मिलेगा उसके अंदर दोनों वायरिंग है ठीक है फिलहाल में आप इसको देखिए लेकिन उसको आप ज़रूर देखिएगा साइज़ ऑफ कैलकुलेशन के लिए बता दिया था वायर साइज के लिए ठीक अब देखिए एक सवाल है इस सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि जैसे जैसे मैं सवाल बताता जाऊं आप लोग उसको नोट करते जाना अपनी कॉपी के ऊपर अपने नोटबुक पे क्योंकि आप अगर नोट नहीं करेंगे थोड़ा जो सवाल है वो लंबा जाएगा ठीक है थोड़ा सा जो सवाल है ये लंबा रहेगा तो इसमें आपको स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें लिखनी होंगी ठीक है तो उन चीजों को मैं लिखूंगा फिर रिमूव करूंगा लिखूंगा रिमूव करूंगा तो आप लोग साथ के साथ नोट करते रहना ठीक तो देखिए एक सवाल ये है कि एक निर्माणाधीन हॉल है आप सिंपल ये मानिए कि आपके पास कोई एक हॉल है इस हॉल में क्या करना है कि इसकी जो छत की ऊंचाई है वो छः मीटर है और इस हॉल में 230 वोल्ट एक कलिए सप्लाई की वाहक नली तार स्थापन होना है हिंदी में लिखा हुआ है मतलब इसका मतलब ये है कि आपको सिंगल फेज सप्लाई से इसकी वायरिंग करनी है ठीक है थ्री फेज सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई दो टाइप की सप्लाई होती है और हम यहाँ जो वायरिंग करेंगे वो सिंगल फेज सप्लाई की वायरिंग करेंगे जिसमें 230 वोल्ट हमारा रहता है ठीक है इसके लिए आपको दिया गया है पांच प्रकाश पॉइंट हैं ठीक चार पंखे लगे हुए हैं और एक हमारा छः एम्पियर का सॉकेट है ठीक आप अपने आप को ये इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई हॉल है और वो हॉल आपके लिए तैयार है वायरिंग के लिए तो आप उसमें वायरिंग कैसे करेंगे और आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने ये बोला कि आप उसमें भाई एक काम करो पाँच तो लाइट लगानी है आपको चार पंखे लगाने हैं और एक हमारा सॉकेट लगाना है ताकि हम मोबाइल को चार्ज कर सके या ऑल आउट टाइप की चीज़ों को हम लोग लगा सके ठीक है विवेक वालियन अगर वीडियो आपकी रुक रुक के चल रही है तो मे भी थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन का इश्यू होगा आप उसको एक बार क्लोज करके दोबारा खोलिए और एक बार देखिए नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा में भी प्रॉब्लम कर रहा हूँ आपके लिए ठीक है चलिए तो अब हम लोग हम लोग आगे इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं ठीक है अब देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको करना क्या है देखिए जब आप कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले आपको करना होता है लोड का कैलकुलेशन आपको करना होता है लोड कैलकुलेशन ठीक है तो हम यहां सबसे पहले करेंगे लोड कैलकुलेशन लोड कैलकुलेशन ये तो लिखा हुआ ही है इसको मैं निटा देता हूं ठीक है तो लोड कैलकुलेशन हमें यहां पे करेंगे फोर लाइट एंड फैन सर्किट फॉर लाइट एंड फैन सर्किट ठीक है तो हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी होती है जिसमें हमें सीरियल नंबर लेना होता है उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ लोड टाइप ऑफ लोड ठीक उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं उसकी पावर क्या उसकी पावर है उसके बाद हम लिखते हैं क्वांटिटी क्यू टी वाई मात्रा कितनी है और टोटल वाट ठीक है ये हम लोग एक टेबल बनाते हैं क्या करने के लिए लोड कैलकुलेशन एंड सर्किट कैलकुलेशन के लिए ठीक तो देखिए सीरियल नंबर वन सीरियल नंबर वन में हमारे पास क्या है हमारे पास पांच प्रकाश बिंदु हैं ठीक है तो पहले हो गया मान लो बल्ब पॉइंट बल्ब पॉइंट हमने ये माना कि बल्ब पॉइंट इसमें कितना है सिक्सटी वाट का माना हमने बोला था आपको ये वाट मिलेंगे तो ये सिक्सटी वाट के हैं और कितने हैं पाँच है तो ये हो गया छः पंजे तीस यानी तीन सौ वाट दूसरा नंबर है हमारा इसमें फ़ैन तो फ़ैन के लिए भी आपको बताया गया था कि ये सिक्सटी वाट के फ़ैन होते हैं जिनकी क्वांटिटी चार है तो छः चौक 24, चौबीस टू फोर्टी वाट थर्ड है हमारे पास सिक्स एम्पियर सॉकेट क्या है सिक्स एम्पियर सॉकेट वो है हमारा सौ वाट का होता है वो एक है ठीक अब वो एक है तो यहाँ पे क्या होगा सौ वाट हो जाएगा ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा सौ वाट हो जाएगा अब देखिए हम यहां पे टोटल करते हैं हम क्या करते हैं यहां पे टोटल करते हैं टोटल अब हम करते किस किस चीजों का है वो देखना हमें यहां मैं लिखता हूं टोटल और ये टोटल हमें करना होता है क्वांटिटी यानी पॉइंट क्वांटिटी ये टोटल पॉइंट्स होंगे तो कितने हो जाएगा पाँच चार नौ और एक दस टोटल जो पॉइंट्स हो गए ये आपके हो गए दस ठीक है और टोटल वाट हमारी कितनी हो जाएगी तीन सौ और दो पाँच सौ पाँच सौ चालीस और सौ छः सौ चालीस ये हो जाएगा हमारा छः सौ चालीस तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई एक हमारा निकला टोटल वाट और एक निकला हमारा टोटल पॉइंट ठीक तो अगर हम यहाँ पे लोड देखें तो हमारा लोड कितना आ गया अब इसके अलावा तो कुछ हमने इसमें जोड़ा नहीं है जब हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जोड़ी है तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा टोटल लोड हो गया ठीक तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ इसलिए टोटल लोड टोटल लोड कितना हो गया यहाँ पे 640 वाट क्या हो गया 640 वाट हो गया ये सभी को क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो आप लोग सब इन चीजों को ना नोट करते रहना कॉपी में क्योंकि ये आ, बहुत थोड़ा सा लेंथी होगा तो आप लोग फिर बाद में भूल जाओगे ठीक हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो होती है आप बार 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 देख सकते हैं इसको फिर भी साथ के साथ जब नोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए ठीक है तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना अब हम लोग सर्किट का कैलकुलेशन करेंगे ठीक अब हम लोग करेंगे सर्किट का कैलकुलेशन देखिए यहां पे मेरा टोटल जो लोड था टोटल लोड जो आ गया था टोटल लोड आ गया था मेरे पास कितना आ, टोटल लोड आया था मेरा यहाँ पे 640 हाँ 640 वाट आया था 640 वाट टोटल पॉइंट टोटल टोटल पॉइंट हमारे थे दस टोटल पॉइंट थे हमारे टोटल पॉइंट हमारे थे दस ठीक अब देखिए सर्किट कैलकुलेशन में हमने आपको बताया था कि नंबर एक आपको करना है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लोड अकॉर्डिंग टू लोड जब आप करेंगे तो देखिए मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए 800 सौ वाट लोड टोटल है कितना 640 यानी ये क्या है टोटल लोड बटे मैक्सिमम लोड मैक्सिमम लोड एज पर जो रूल होता है वो आप एक सर्किट के अंदर 800 हंड्रेड वाट से ज्यादा का लोड नहीं दे सकते तो इसलिए मैंने टोटल लोड हमारा क्या 640 था मैक्सिमम लोड हमारा 800 होता है तो यहाँ मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एक से तो कम ही आएगी क्यों क्योंकि ये जो नीचे है वो हमारा बड़ा है किससे ऊपर वाले से ठीक तो अब मैं सिंपल सा चौंसठ को अस्सी से डिवाइड करता हूँ चौंसठ को जब मैं अस्सी से डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है मेरी जीरो पॉइंट एट तो मैंने यहाँ मान लिया एक सर्किट क्योंकि आप पॉइंट एट सर्किट तो मानोगे नहीं जैसे मान लो आपका वन पॉइंट वन आ गया आंसर तो आपको मानना पड़ेगा देखिए इससे कम मानेंगे तो एक होगा वो मान नहीं सकते तो आपको दो सर्किट मानना पड़ेगा कितना सर्किट मानना पड़ेगा दो सर्किट मानना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर जब पॉइंट एट आ रहा है तो मिनिमम सर्किट आपके होंगे कितना मिनिमम सर्किट आपका हो जाएगा एक ठीक तो ये तो हमारा आ गया अकॉर्डिंग टू लोड अब हमारा बी है बी किसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू पॉइंट जब देखेंगे तो क्या होता है टोटल पॉइंट अपॉन मैक्सिमम पॉइंट टोटल पॉइंट अपॉन मैक्सिमम पॉइंट टोटल पॉइंट आपके कितने आए थे दस आए थे मैक्सिमम कितने होने चाहिए एक सर्किट में दस तो इससे आपका आ गया वन तो ये भी क्या गया? One circuit. One circuit आ गया वन सर्किट वन सर्किट आ गया ठीक है ये भी क्या आ गया वन सर्किट आ गया तो अब हम यहां देखें आप जरा ध्यान से देखिए इस वाले को और इस वाले को इन दोनों में कोई बड़ा है दोनों ही बराबर है तो इसलिए सर्किट कितना हो जाएगा हमारा सर्किट हमारा एक बनेगा क्या बनेगा सर्किट हमारा एक बनेगा तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया सर्किट ये हमने कैलकुलेट कर लिया सर्किट यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक की जो बातें हमने की अभी तक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो लोड की कैलकुलेशन को लेके या सर्किट को कैलकुलेशन को लेके ठीक ये लोड हमने लोड का कैलकुलेशन अभी कर लिया था जो आपने पिछली उस पर देखा था पिछली साइड्स पे आपने देखा था ठीक और जो टोटल हमारा जो आ, सर्किट का कैलकुलेशन है वो हमने इस स्लाइड्स के ऊपर हमने देख लिया ठीक जल्दी से कमेंट कीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है यहां तक की चीजें हमने कल भी डिस्कस की थी ठीक अब देखिए ये सर्किट का कैलकुलेशन हो गया तो अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए अतः लाइट फैन के लिए एक सर्किट बनेगा अब ये एक सर्किट का मतलब क्या है ये एक सर्किट का मतलब क्या है कल भी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था हाँ विनय ये जो मैक्सिमम पॉइंट्स लिए हैं वो नियम के अनुसार ही लिए हैं जो आई रूल है आई रूल ये कहता है कि एक लाइट एंड फैन सर्किट के अंदर मैक्सिमम 800 वाट का लोड दे सकते हो और आप वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट टेन ले सकते हो इससे ज्यादा नहीं ले सकते अगर इससे ज्यादा जाता है तो आपको दूसरा सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा ठीक है चलिए तो यहाँ पर एक सर्किट बनेगा तो ये एक सर्किट क्या होता है देखिए आपके घर में एक लगा होता है एनर्जी मीटर ठीक एक होता है एनर्जी मीटर एनर्जी मीटर मतलब ऊर्जा मापी जिसको आप बिजली का मीटर बोलते हैं ठीक तो ये जो एनर्जी मीटर है इस एनर्जी मीटर पे आपके पास खंबे से जो सप्लाई है वो आ जाती है जो खंबे से सप्लाई है वो यहां आ जाती है ठीक है एक आपको यहां पर लगाया जाता है मेन स्विच बोर्ड मेन एम एस बी यह है हमारा मेन स्विच बोर्ड अब ये मेन स्विच बोर्ड होता है क्या है मेन स्विच बोर्ड का मतलब है जिससे आप पूरी सप्लाई को कट कर दे ऑन कर दे या ऑफ कर दे ठीक है यानी जैसे आप अपने घर में कटआउट लगा देते हैं अपने घर में आप डी लगा देते हैं तो ये सारे हमारे मेन स्विच बोर्ड होते हैं जैसे कि डी लगा दिया आपने या फ्यूज लगा दिया या फिर एम भी लगा दी कई जगह एम भी लोग आजकल तो एम ही ज़्यादा लग रही है तो जो मेन एम आपकी होती है मेन स्विच बोर्ड या मेन एम ठीक है चलिए तो यहाँ से सप्लाई आपके इस मेन स्विच बोर्ड में आ जाता है एक फेज होता है एक आपका न्यूट्रल होता है ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका फेज है ठीक है एक कमेंट आया था सर पॉइंट है उसे रिपीट कर सर जो पॉइंट है उसको रिपीट कर दीजिए अच्छा देखिए पॉइंट में क्या है हमारा पॉइंट जो निकालते हैं कि हमारे कितने नहीं अच्छा पॉइंट पूछ लेते ना तुम तो देखो पॉइंट दोगे सप्लाई दोगे फैन के लिए आपने चार पॉइंट्स लिए हैं सिक्स एमपियर सॉकेट के लिए आपने एक पॉइंट लिया तो इस तरीके से हमारे जो टोटल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद में मेन स्विच बोर्ड के बाद में आप लगाते हो डी और इस डी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस डी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे भी एक फ़ेज आता है सॉरी ये न्यूट्रल है ये फेज है तो ये हमारा फेज आ गया और ये हमारा न्यूट्रल आ गया ठीक है ये फेज और एक हमारा न्यूट्रल आ गया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या होता है मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है अब ध्यान से देखिएगा मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है तो आप क्या करेंगे इस पॉइंट से एक तो ले जाएंगे फेज और एक ले जाएंगे न्यूट्रल और यहां ये यह होगा फोर सर्किट नंबर वन फोर सर्किट नंबर वन ये हमारे एक सर्किट के लिए हो गया ये किसके लिए हो गया एक सर्किट के लिए कंप्लीट हो गया अब मान लीजिए आपके किसी सर्किट में किसी क्वेश्चन में दो सर्किट बन जाते हैं क्या बन जाते हैं दो सर्किट बन जाते हैं तो इन दो सर्किट के लिए आप क्या करोगे फिर से एक फेज और फिर से एक न्यूट्रल आप लेके जाएंगे फिर से एक न्यूट्रल आप लेके जाएंगे।, ले जाएंगे एक फेज एक न्यूट्रल तो ये हो गया हमारे फोर सर्किट नंबर टू तो इस तरीके से जितने हमारे सर्किट्स बनते जाएंगे उतने ही हम क्या करेंगे उतने ही हम सर्किट से लेक फेज एक न्यूट्रल एक एक लेके हम लोग जाएंगे ठीक है तो फिलहाल में हमें केवल एक की जरूरत है इस वाले की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा सर्किट एक ही है तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से केवल एक ही सर्किट जाएगा यानी एक फेज और एक न्यूट्रल होगा ठीक है तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई किसी को कोई डाउट है यहां तक का यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो बताए नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं ठीक है चलिए हम लोग आगे चलते हैं देखिए यही वो लेआउट था जिसमें हमने ये सारे काम करने थे ठीक है ये सारे काम हमने यहीं पे करने थे ठीक अब देखिए मान लीजिए आपके ये घर का एक हॉल है ये क्या है एक हॉल है ठीक ये हॉल है ठीक इस हॉल में आपको क्या करना है कि ये सारी चीजें लगानी है क्या क्या था पांच तो आपके पास थे बल्ब पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा एक था हमारे पास पांच बल्ब पॉइंट थे ये छह यहां पे गलत लिखा ये पांच था और चार हमारे पास फैन थे चार फैन लगाने हैं आपको और हमारे पास क्या लगाना है एक सॉकेट लगाना है एक सॉकेट लगाना है ठीक है एक हमें लगाना है सॉकेट ठीक तो अब इसको देखिए अब आपको क्या करना है यहां पर इन सब चीजों को लगाना है इन सब चीजों को इसमें लगाना है अब आपसे मान लीजिए बोल दे कोई कि भाई ये हॉल है इसमें आपको चीजों को लगाना है तो देखिए हम क्या करते हैं कि चार फैन मतलब मैंने क्या किया ये मैंने लगाए एक फ़ैन ये लगाया मैंने एक फ़ैन ये लगाया मैंने एक फैन ये लगाया मैंने एक फ़ैन ये लगाया मैंने ये F1 है ये F2 है ये F3 है ये F4 है ये क्या है हमारा F4 है ठीक ये हमारा F4 हो गया ठीक अब इसके बाद हमें बल्ब लगाने हैं पांच बल्ब लगाने हैं मैंने क्या किया एक बल्ब यहाँ लगा दिया एक बल्ब यहाँ लगा दिया और तीन मैंने यहाँ लगा दिए ठीक है ये बल्ब का साइन है ये मेरा B1 है ये मेरा B2 है ये मेरा B3 है ये मेरा B4 है और ये मेरा B5 है अब स्विच बोर्ड मैंने क्या किया ये दीवार है इस दीवार पे मैंने यहां पे एस बी वन लगा दिया स्विच बोर्ड वन लगा दिया और इसके ऊपर एक सॉकेट का ये सिंबल होता है ये सिंबल होता है सॉकेट का क्या होता है सॉकेट का तो ये क्या होता है आपने पूरा लेआउट बनाया इस पूरे लेआउट में आपने चीजों को लगा दिया ठीक है आपने सारी चीजों को लगा दिया देखिए आपके जो सिलेबस में होता है वो केवल आपको वायरिंग के लिए आता है कि आप कैसे कैसे लेके जाओगे आपको पूरे स्टीमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये बताऊंगा इनके तार आप लेके कैसे जाओगे ये हमने लेआउट बना दिया अब देखिए यहां पे मान लो कहीं एनर्जी मीटर लगा हुआ होगा घर में बाहर घर के बाहर ही आजकल तो होता है एनर्जी मीटर ठीक आपने घर में यहाँ पे क्या है डी लगा दिया है ये डी लगा दिया है और डीवी के बाद आपने लगा दिया है यानी ये हमारा डीवी अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अब देखिए हम यहां वन लाइन डायग्राम बनाएंगे ठीक है ध्यान रखना हम लोग यहाँ पे वन लाइन डायग्राम बनाएंगे ठीक वन लाइन डायग्राम किस तरीके से बनेगा वन लाइन डायग्राम का मतलब केवल हम एक ही लाइन को लेके जाएंगे थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है चलिए ठीक तो यहां से क्या करेंगे यहां से हम लोग स्विच बोर्ड पे ले जाएंगे यहां से सारे तार हमारे क्या करेंगे ऐसे दीवार के सहारे जाएगा दीवार के सहारे जाके इस दीवार के सहारे ऐसे बल्ब से इन सब से होता हुआ कुछ इस तरीके से ऐसे होते हुए ये आएगा यहाँ से हमारा इस पर आएगा ठीक उसी में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से आपने कंड्यूट बिछा रखा है छत पे तो इन पे आ जाएगा इससे इस पे आ जाएगा ठीक यहाँ से इस वाले पे आ जाएगा और इस वाले से इस पे चला जाएगा इस तरीके से ये हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी ये तार बिछाने का तरीका कुछ भी हो सकता है मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन डिफर करता है चेंज होता रहता है ठीक है ये चेंज होता रहता है इसलिए आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है जो मेन चीज आपको सीखना है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं ठीक है ये लेआउट सभी का बन गया ये लेआउट सभी का बन गया हो तो इसको नोट कर लो उसके बाद हम लोग आगे की जो आ, काम है उसको कंप्लीट करते हैं ठीक है आगे का जो हमारा इसमें आ, जैसे हमें बोर्ड बनाना होता है वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग आपको अब आगे बताने वाले हैं तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग नोट होते ही कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ इसको लेके चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं हम लोगों ने अभी आपको बताया अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किया कि हमारे पास जो फैन होता है फैन कितने थे हमारे पास फैन थे हमारे पास चार चार तो हमारे पास फैन थे फैन थे चार और हमारे पास बल्ब थे बल्ब थे पांच और एक था सॉकेट ठीक अब इसके लिए आपको एक स्विच बोर्ड बनाना है आपको उसके लिए स्विच बोर्ड बनाना है तो देखिए आपने अपने घर में जो स्विच बोर्ड देखा होगा कुछ इस तरीके से देखा होगा अब आप लोग ये बताइए इस पर कितने स्विच होंगे इतने पॉइंट के लिए कितने स्विच आप लगाएंगे कितने स्विच की जरूरत आपको पड़ेगी जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको उस रूम में छः तो आपको अ, मतलब चार आपको फैन लगाने हैं पांच बल्ब लगाने हैं और एक सॉकेट लगाना है तो आपको कितने स्विच की रिक्वायरमेंट होगी देखिए आपको स्विच कितना चाहिए यहां पर देखिए देखिए जितने फैन होंगे उतने फैन के लिए स्विच चाहिए नंबर ऑफ स्विच नंबर ऑफ स्विच जितने फैन होंगे उतने ही स्विच चाहिए तो चार तो स्विच ये चाहिए जितने बल्ब होंगे उतने ही स्विच चाहिए तो पांच बल्ब के लिए भी स्विच चाहिए एक सॉकेट के लिए भी आपको एक स्विच चाहिए तो वो भी तो टोटल जो स्विच होंगे पांच चार नौ और एक दस टोटल हमारे दस स्विच हो जाएंगे टोटल क्या होंगे दस स्विच तो टोटल आपके पास टोटल स्विच कितने होंगे दस होंगे ठीक सॉकेट मिला के ठीक है तो अब आपको जो बनाना है जो आप बनाएंगे उसके अंदर आपको ये स्विच बोर्ड में आपको ऐसा ही बनाना होगा ठीक है अब देखिए हम इसको बनाते हैं यहाँ पे ये सॉकेट है एक ये एक थ्री पिन का सॉकेट है ठीक है इसके बाद ये मैं स्विच बना रहा हूँ जिसके दो पॉइंट्स होते हैं कनेक्शन के लिए बैक साइड में जब आप देखते हैं ये स्विच नंबर टू है ये वन ये टू ये थ्री ये हमारा फोर इस तरीके से आप दस स्विच को बना लीजिए ये बोर्ड है हमारा जिस बोर्ड में हम इन चीज़ों को लगा रहे हैं ये पांचवा स्विच है ये मेरा एक छठा स्विच है ये एक सातवा स्विच है ये मल्टी लाइन आपको मैं बता रहा हूँ मल्टी लाइन कैसे बनाया जाता है वो देखिएगा ये आठवा है ये नववा स्विच है और लास्ट हमारे पास स्विच था टेन ये मैंने यहाँ पे दस स्विच लगा दिए हैं ये मेरा बोर्ड है ये मेरा क्या है स्विच बोर्ड वन है ठीक है देखिए अब इसमें क्या होगा एक फ़ेज आएगा एक न्यूट्रल आएगा ठीक है तो मैं फ़ेज के लिए येलो कलर यूज़ कर ले रहा हूँ फिलहाल में हालांकि कलर कोडिंग आपको रेड होता है तो रेड हो सकता है थोड़ा दिखाई ना दे ठीक है क्योंकि रेड और ब्लैक होता है तो हम लोग अभी फिलहाल में कलर कोडिंग पे ध्यान नहीं देते हुए बस मैं आपको बता रहा हूँ देखिए आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि स्विच के नीचे वाले जितने भी शिरे होते हैं इन सब को आपस में एक तार से शॉर्ट कर दिया जाता है तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा कि हम सभी स्विच के निचले जो पॉइंट्स हैं उनको एक बेयर कंडक्टर कॉपर का जो होता है फ्लेक्सिबल वायर जो है उससे हम क्या कर देते हैं शॉर्ट कर देते हैं और इसी तार में किसी भी पॉइंट्स पे आप लेके आ जाते हैं फेज क्या लेके आ जाते हैं फेज ठीक अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा वो क्या कि न्यूट्रल एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल न्यूट्रल स्विच बोर्ड में स्विच बोर्ड में ही आता है जब स्विच बोर्ड में सॉकेट लगा हो सॉकेट लगा हो यह आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि किसी भी स्विच बोर्ड में अगर यह सॉकेट लगा हुआ है तब तो न्यूट्रल आएगा तब तो ये न्यूट्रल लेके आओगे अन्यथा स्विच बोर्ड में न्यूट्रल लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है न्यूट्रल लेके आने की हमें ज़रूरत नहीं होती है तो मैंने क्या किया एक न्यूट्रल लिया है उसको मैं वाइट कलर से ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है तो वाइट कलर से एक न्यूट्रल मैं लेके आया और उसको मैंने जस्ट आपको आइडेंटिफाई होता रहे वो न्यूट्रल मैंने सॉकेट को दे दिया ये न्यूट्रल मैंने क्या किया सॉकेट को दे दिया और ये आ कहाँ से रहे हैं फ्रॉम डी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे ये आ रहे हैं फ्रॉम डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये आ रहे हैं ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहीं पर वो सारी चीजें बना देता हूँ जो जो हमारी चीजें लगी हुई थी ठीक है जैसे कि ये मेरा एक फैन था एक दूसरा फैन था एक तीसरा फैन था एक चौथा फैन था ठीक एक बल्ब मेरा यहाँ था एक बल्ब मेरा यहाँ था एक बल्ब मेरा यहाँ था और एक बल्ब ये और ये थे ठीक है ये मेरे पास B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5 ये एफ़ वन ये एफ़ टू ये एफ़ थ्री और ये एफ़ फोर अब देखिए आपको ये पता होगा कि हमारे जितने भी जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उन सभी के लिए फेज हमारा अलग अलग जाता है सभी के लिए फेज हमारा अलग अलग जाता है अब ध्यान से देखिएगा सब लोग पहले मैं क्या कर रहा हूँ इनके न्यूट्रल को शॉर्ट करता हूँ क्योंकि न्यूट्रल सभी के लिए कॉमन होता है न्यूट्रल हमारे सभी के लिए क्या होता है कॉमन होता है तो न्यूट्रल मैंने क्या किया कि यहां से लिया यहां से लिया यहां से भी लिया वायरिंग में कर रहा हूँ लूप इन मैथड किस में कर रहा हूं मैं लूप इन मैथड कर रहा हूं ठीक ये मेरा न्यूट्रल यहाँ से इसी पॉइंट से चला गया ये बचे किसी भी पॉइंट से ले लो यहीं से हम लोग इससे ही ले लेते हैं यहीं से ठीक ये ले लिया ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उफ ये तो सारा ही गायब हो गया भाई ओह चलिए दोबारा ही बनाना पड़ेगा इसको तो मैं फटाफट इसको बना देता हूँ आप लोग तब तक कीजिए इसको ये हमारे पास एक सॉकेट है ये हमारे पास एक स्विच एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये दस स्विच थे ठीक है इन सब में ये था मैंने जो आपको बताया था ये पॉइंट है कनेक्शन के लिए आपको ये मैंने बताया था कि जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं सारे सबसे पहले क्या कर दो आप सारे आप शॉर्ट कर दो ठीक है तो मैंने क्या किया ये जो नीचे वाले तार हैं इन तो पॉइंट्स हैं इन सबको मैंने एक तार से शॉर्ट कर दिया और इससे मैंने जोड़ दिया फेज ठीक है जो बाहर से आया ठीक उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दिया था एक और वो न्यूट्रल मैंने केवल किसको दिया था सॉकेट को दिया था क्योंकि सॉकेट के लिए ही न्यूट्रल होता है हमारे पास एक दो तीन चार तो फैन थे ठीक एक दो तीन चार और एक पांच हमारे पास क्या थे पांच हमारे पास थे बल्ब ठीक है पांच बल्ब थे ठीक अब मैंने क्या किया सबका न्यूट्रल मैंने कॉमन कर दिया ठीक है न्यूट्रल मैंने क्या किया ये लाया यहां से लूप किया यहां पे यहां से लूप किया ये तार में जोड़ रहा हूं सब में एक एक पॉइंट में सबको तार मैंने जोड़ दिया और ये तार मेरा आ जाएगा इसके साथ न्यूट्रल पे जुड़ जाएगा ठीक है ये मेरा क्या है न्यूट्रल गया सभी के लिए ठीक मैंने क्या किया यहीं से ये न्यूट्रल इसको ले लिया ये सभी को न्यूट्रल चला गया न्यूट्रल सभी के लिए कॉमन होगा इसलिए आपको कहीं से किसी को दे दीजिए बस आपको ये ध्यान रखना है बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं भी जॉइंट नहीं लगाएंगे कहीं भी जॉइंट नहीं लगाएंगे सब आपको क्या करना है सब आपको क्या कर देने हैं आपस में लूप करने हैं ठीक है अब देखिए अब मेरा काम है फेज का तो अब देखिए फेज बहुत सिंपल है फेज के लिए क्या करना है आपको कि एक एक स्विच पकड़ लीजिए और एक एक स्विच से सबको देते चले जाइए मान लीजिए इस वाले स्विच से मैंने दे दिया इस वाले बल्ब को ये इसको फेज चला गया तो ये हमारा ये कौन सा था बी फाइव था तो ये बी फाइव हो गया क्या हो गया बी फाइव हो गया बी फाइव के लिए ठीक यहाँ से एक फेज निकला ये वाला हमारा चला गया इसको ये हमारा क्या था बी फोर था तो ये हमारा हो गया बी फोर के लिए ठीक है ये देखिए ये मैंने क्या किया इसको ले गया मैं इसके लिए ये हमारा ये मान लीजिए एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर ये मेरा मान लीजिए एफ फोर है नाम आप कुछ भी दे सकते हैं तो यहाँ मैंने दे दिया एफ़ फोर ये मेरा यहाँ से निकला ठीक देखिए वायरिंग मैंने यहाँ पे जो दिखाया है वो केवल आपको उसको बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ठीक है ये मैं ले गया ये मैंने दे दिया इसको ये मेरा F1 के लिए हो गया और ये मेरा चला गया F टू के लिए F टू के लिए ये F1 था अब ये बचे हैं तीन ठीक ये इसको चला जाएगा B3 को तो ये B3 हो जाएगा ये मेरा चला जाएगा यहाँ पे ये B2 है और ये B1 है तो ये मेरा B1 के लिए है ठीक और इससे हम जोड़ देंगे इसको तो ये इस तरीके से हम एक स्विच बोर्ड को बनाते हैं इस तरीके से हम लोग एक स्विच बोर्ड को बनाते हैं ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया ये स्विच बोर्ड के कनेक्शंस हो गए तो देखो अगर स्विच बोर्ड से तार निकलने की बात हुई तार कितने निकलेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और एक दस दस तार तो निकलेंगे और एक और दो दो तार हमारे आएंगे तो टोटल बारह तार यहाँ पर स्विच बोर्ड में आएंगे यानी अगर आप एक ये स्विच बोर्ड लेते हो एस बी लेते हो और यहाँ पे आप कंड्यूट लगाते हो तो इसमें से बारह तार आपके जाएंगे ठीक है यहाँ पे बारह तार यहाँ से जाएंगे अर्जित सर अगर हम अगर लाइन से ही पहले सब को दे सबको दे पहले बल्ब फिर सभी फ़ैन को देखो अरजीत मैंने यही बताया कि किसी भी स्विच को आप किसी से दे सकते हो किसी भी स्विच से आप किसी को दे सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप बस ये ध्यान रखना है कि मेन फेज आपके नीचे इन स्विचों में आएगा ये मेन फेज है वो आपके स्विच में आएगा और मेन फेज के बाद में आप सभी को एक एक स्विच से क्योंकि देखो ये क्या है स्विच हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस है और ये क्या करता है कंट्रोल करता है क्या करता है कंट्रोल करता है सर्किट को ठीक है जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो इधर जो फेज आ रहा है वो इधर नहीं जाएगा लेकिन जैसे आप स्विच को ऑन करते हो ये सर्किट को क्लोज कर देता है और आगे सप्लाई को भेज देता है आगे सप्लाई को भेज देता है मनीष यानी ये अगर इन्वर्टर वायर कनेक्ट करना हो तो मनीष इन्वर्टर के कनेक्शन मैंने ऑलरेडी दो वीडियो में मैंने समझाया है तो आप उस वीडियो को देखो यूपीएस एन इन्वर्टर करके दो वीडियो है वहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन और मेन लाइन से कनेक्शन कैसे करना बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ तो मैंने हाथ से बना के किया है वहाँ पूरा एनिमेशन से दिखाया गया है तो वहाँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा ठीक है सभी लोगों को क्लियर है ये तो देखिए आपके यहां पे यही चीजें आती हैं क्योंकि आप लोगों का वन लाइन डायग्राम और ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो इससे ज्यादा आगे कराने की जरूरत नहीं है करंट हाँ, कैलकुलेशन एक मैं करा देता हूं आप लोगों करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे है ना सी यू डबल आर ई टी करंट कैलकुलेशन करंट कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है पी आपके पास दिया हुआ था 640 वाट वॉट वी आपको दे दिया था शुरू में ही 230 वोल्ट तो आपको क्या निकालना है आई निकालना है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है 640 देखिए फार्मूला होता है पीजकल टू वी आई कॉस फाइव ये कॉस फाइव जो है ये क्या है पी है पावर फैक्टर है और जनरली हम पावर फैक्टर को डोमेस्टिक के अंदर एक मानते हैं जब तक आपको कुछ भी ना दिया जाए जब तक आपको कुछ भी ना दिया जाए वहाँ तब तक आप पावर फैक्टर वन मानेंगे ठीक है डोमेस्टिक के लिए फोर सिंगल फेज डोमेस्टिक ठीक अब यहां पर वही है अब आपको आई निकालना है तो आई की वैल्यू क्या होगी पी वी होगा तो पावर हमारे पास 640 है वी हमारे पास 230 है तो जीरो से जीरो गया तेईस से अगर आप डिवाइड करोगे चौसठ को तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2.78 ठीक तेईस दोनों छियालीस यानी उससे आगे ही आएगा कुछ तो टू पॉइंट सेवन आ जाएगा टू पॉइंट सेवन एट टू पॉइंट सेवन एट अब जो ये आई आता है ये क्या आ गया टू पॉइंट सेवन एट आ गया प्लस ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा ले लो यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा ले लो तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा इसका बीस परसेंट लोगे तो पॉइंट फोर पॉइंट फाइव मान लो तो आई जो आ जाएगा अप्रॉक्स आपका थ्री पॉइंट टू एट एमपियर के आसपास आ जाएगा तो ये आप करंट का कैलकुलेशन कर सकते हो ठीक है यहां से आप कुछ करंट का कैलकुलेशन कर सकते हो ठीक तो यहाँ तक की बातें सभी को समझ में आ गई इसके बाद कुछ टेस्टिंग्स हैं कि हम एक सर्किट का टेस्टिंग कैसे करते हैं किसी बच्चे ने एक कमेंट भी मेरे पास भेजा था कि सर कनेक्शंस टेस्टिंग कैसे करते हैं तो टेस्टिंग में आप लोगों को इस वीडियो के बाद में एक दिन लेके उसमें सारी चीज़ें बता देंगे कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं कौन कौन से हमारे फॉल्ट होते हैं ठीक है तो उसमें जो मैगर के थ्रू पूछा था बच्चे ने तो मैगर के थ्रू ही हम बता देंगे ठीक है पीछे एक डिमांड आई थी कि मैगर की वीडियो आ, मैगर के ऊपर वीडियो आए तो उसी में हम लोग मैगर का डिस्कशन कर लेंगे और उसी से उस फॉल्ट का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे ठीक है शायद मनीषा नहीं पूछा था मुझे याद आ रहा है चलिए एक कमेंट आया हुआ सर अगर तीन बोर्ड है तो न्यूट्रल फेज से कैसे बताएँ बताएगी ये, ये देखो आपके पास मान लो आपके पास एक ही सर्किट है एक ही सर्किट है बना हुआ मतलब एक ही सर्किट आता है और आपके पास एस बी वन इसको ऐसे समझो आप लोग आप ये समझो कि आपके पास ये एक कोई ये तीन रूम है ये एक एंट्री पॉइंट है एक ये एंट्री पॉइंट है और एक ये एंट्री पॉइंट है ठीक मान लो ये आर एम वन है ये आर एम टू है रूम नंबर टू है रूम नंबर वन है और ये आपका हॉल है ठीक है और आपको आपका एक ही सर्किट बन रहा है एक ही सर्किट बन रहा है एक ही सर्किट का मतलब एक आप फेज लेके आए एक न्यूट्रल लेके आए तो हॉल के लिए भी आप एक स्विच बोर्ड लगाओगे एस बी वन एक रूम के लिए भी लगाओगे एस बी टू एक इसके लिए भी लगाओगे एस बी थ्री तो ऐसा नहीं है इन सभी के लिए अगर आप एक ही सर्किट रखना है और एक सर्किट के बाद आपको कुछ नहीं करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है इस स्विच बोर्ड पे अब आपको ये देखना पड़ेगा अगर यहाँ पे सॉकेट है तो फेज प्लस न्यूट्रल दोनों ही चीज़ें आएंगी ठीक अगर ये नहीं है सॉकेट तो केवल फेज आएगा जो फेज यहाँ आएगा वही फेज आगे जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये तीनों जगह एक ही फेज जाएगा अगर यहाँ पे सर्किट आपके तीन होते मान लो ये तीन सर्किट होते यही रूम आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कुछ ऐसा है इस लेआउट में कि यहाँ पर तीन रूम हैं आर एम वन है आर एम टू है और ये आपका क्या है हॉल है यहां पर एक स्विच बोर्ड है एक यहाँ पर स्विच बोर्ड है एक यहाँ पर स्विच बोर्ड है लेकिन सर्किट जो बने हैं आपके सर्किट भी तीन बने हैं तो इसके लिए फेज न्यूट्रल अलग इसके लिए फेज न्यूट्रल अलग इसके लिए फेज न्यूट्रल अलग लेके आएंगे ठीक है यानी एक सर्किट से आप लोग दो स्विच बोर्ड को कनेक्ट करो तीन स्विच बोर्ड को कनेक्ट करो कोई मैटर नहीं करता है मैटर यही करता है कि 800 वाट या पॉइंट इससे अगर ज्यादा हुआ तो सर्किट दूसरा होगा फिर आपको एक फेज एक न्यूट्रल लेके आना पड़ेगा ठीक है तो ये हमारा शिवम सर्किट के बिना बता दो क्या शिवम सर्किट के बिना क्या बताना है शिवम थोड़ा सा डिटेल में लिखो फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे शिवम जितेंद्र का एक मैसेज है सर बीस परसेंट एक्स्ट्रा क्यों लिया जितेंद्र ये सेफ्टी पर्पज से लिया जाता है थोड़ा सा ज्यादा ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा लेके ही हम लोग चलते हैं ठीक है ये आ, डिफर करता है हर जगह इलेक्ट्रिक सर्किट के करने पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण पार्ट्स होते हैं आशु अंशु अन, अंशु मौर्य क्या पूछ रहे हो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये दो क्वेश्चन आप लोगों के आए थे एक तो शिवम का आया था और एक अंशु का ये आप लोग क्या पूछ रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट के कितने पार्ट्स होते हैं अंशु ये तो नहीं पूछ रहे हो अंशु अगर आप ये पूछ रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट के कितने पार्ट्स होते हैं जल्दी से जरा कमेंट करें ये जो दो लोग जिनके सवाल डाउटफुल जा रहे हैं जिनका थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है वो लोग जरा कमेंट करें जितेंद्र जितेंद्र का है जितेंद्र का है जितेंद्र अच्छा बीस परसेंट एक्स्ट्रा ना ले बीस परसेंट एक्स्ट्रा ना लो मत लो उसमें आपको फिर आगे चल के जब आप मेन वायर का कैलकुलेशन करोगे ना तो वहाँ करना होता है आपको दो से ढाई गुना लेना होता है तो वहाँ भी हो जाता है कोई इशू नहीं है ये ये तो जस्ट आपका क्या है ये जस्ट आप अजम्पशन कर रहे हो इन चीज़ों को एजप्ट कर रहे हो एक्चुअल तो करंट आपकी आ चुकी है इतनी ही करंट रहेगी इससे ज़्यादा करंट नहीं होगी कभी भी अगर आपने तरीके से सारे पॉइंट्स लगाए हैं जिस पॉइंट को लगाया वहाँ पर वही चीज़ लगाना है तो कुछ नहीं होगा अच्छा सर्किट के कितने पार्ट होते हैं देखो सर्किट के जो पार्ट्स होते हैं हमारे होते हैं इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार देखो कल हमने बताया था कि सर्किट हमारे दो टाइप के होते हैं डोमेस्टिक के अंदर डोमेस्टिक के अंदर दो टाइप के होते हैं एक होता है लाइट एंड फैन सर्किट एक लाइट एंड फैन सर्किट होता है एक होता है पावर सर्किट एक होता है पावर सर्किट ठीक लाइट एंड फैन में आपके ऑल लाइटिंग आ जाती है फ़ैन आ जाते हैं सिक्स एमपियर सॉकेट आ जाते हैं पावर सॉकेट के अंदर आपके सोलह एमपियर के सॉकेट आते हैं उसके अलावा जितने भी आप जैसे कि एसी लगाते हैं या आप अपने घरों में हीटर लगाते हैं ये सब हमारे पावर के अंदर आते हैं किसके अंदर आते हैं पावर के अंदर आते हैं देवेंदर सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना पड़ेगा तो एम में से डायरेक्ट जा सकते हैं देवेंदर देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दरअसल जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर हमारी एम ही लगी होती है हम उसमें क्या करते हैं एम ही लगाते हैं यहाँ पर क्या करते हैं हमारा जो फेज आता है वो फेज हम सभी को शॉर्ट करके दे देते हैं और एक सर्किट के लिए एक फेज दूसरे सर्किट के लिए दूसरा फेज तीसरे सर्किट के तीसरा फेज हम यहाँ पे सिंगल पोल की हमारी एम लगती हैं जो केवल फेज को कंट्रोल करती हैं, ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम लोग क्या लगाते हैं स्विच ही लगाते हैं ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर आप एमसीबी लगाओगे एमसीबी से ही आप लेके जाओगे डायरेक्ट नहीं होता है वहां पे कुछ भी बस ये है कि एक एम मेन जो आप लगाओगे वो अलग रेटिंग की होगी वो टोटल की होगी यहाँ पे आप कम कम की लगाओगे मनीषा सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं एक पी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा इस रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर तो वो आ, इवनिंग तक मैं इसको प्रिपेयर कर दूंगा तो आप लोगों को वो सेंड मैं कर दूंगा इवनिंग तक ठीक है तो इवनिंग तक आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे वायरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे ठीक है तो वो मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा सर यदि न्यूट्रल और फेज को कट करके अलग अलग बोर्ड में ले जाए तो सर देखो कट कट करके कहीं नहीं लिया जाता है लूप से ही लिया जाता है क्योंकि आप जो वायरिंग करते हो एक रूम ये है आपका इसमें एक एस बी स्विच बोर्ड वन है एक स्विच बोर्ड टू है तो अगर इससे जाना है तो ये नहीं कि ये फेज आ गया आपका अगर आप यही पूछे और ये न्यूट्रल आ गया तो आप ऐसे कट करके दे दोगे और एक ऐसे दे दोगे नहीं आपको क्या करना होता है कि आप एक स्विच बोर्ड ये है एक स्विच बोर्ड ये है और सर्किट एक ही है तो आप यहाँ पहले लाओगे उसके बाद यहाँ लेके जाओगे ठीक है ये लूप होता है लूप इन मेथड आप वायरिंग कर रहे हो इसलिए आपको लूप में ही लेना होता है ठीक है तो मुझे लगता है सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ऐसा कुछ नहीं रहा होगा जिनको क्लियर ना हुआ हो किसी की कोई और डाउट है हालांकि एक हम लोगों का और रहेगा एक सेक्शन एक हम लोग लेक्चर और करेंगे कंप्लीट इसमें तो उसमें जो टेस्टिंग है और चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी ठीक है पूजा अगर सभी बोर्ड के लिए आप अलग अलग लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो हर बोर्ड के लिए अलग भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि आपको क्या करना है कि हर रूम को कंट्रोल करना है तो आप वहां पे क्या करेंगे हर रूम के लिए एक एमसीबी लगा देंगे हालांकि आजकल बोर्ड वाले एमसीबी भी आ रहे हैं हमारे कॉम्पैक्ट साइज वाले एमसीबी आते हैं जो कि हमारे बोर्ड में ही स्विच बोर्ड में ही लग जाते हैं तो आप उस रूम का उस स्विच बोर्ड पर भी लगा सकते हो ठीक है चलिए फिर तो कल जैसा कि मैंने बताया था कल आप लोगों का वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का रहेगा और परसेंटेज का जो है चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे और उसके अंदर हम लोग देखेंगे ठीक है तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा अगर किसी का कोई डाउट है तो वो ज़रूर बताए और ये जो वीडियो है आप लोग सब लोगों के साथ शेयर करें जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलती रहे और साथ के साथ अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें ठीक फिर वही चीज़ें हैं कि आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप जो मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक जिसमें आपको नाम और ट्रेड लिख कर मेरे को भेजना है फिर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा ठीक है साथ के साथ आई आई का नाम भी आपको लिखना है ठीक चलिए ठीक है फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में कल कल के एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर हसन अंसारी एम सी बी एन कटआउट में जो डिफरेंस है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा थोड़ा सा डिटेल में करना बताना पड़ेगा ठीक है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे इसका ठीक है चलिए बाय बाय सभी लोग अपना ध्यान रखें